दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जिस भी ऐप के बारे में, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, उससे मेरे को लोन मिला है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मेरे को लोन मिला था 4,000 रुपये का, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 60,000 रुपये की अमाउंट का लोन अप्रूव हो गया है और 50,000 रुपये के आसपास मेरे को लोन मिल गया है। तो तीन प्लेटफॉर्म से मैंने लोन लिया है, तीनों से मेरे को लोन मिल गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तीन ऐसी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको ओनली पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर आपको लोन मिल जाता है। तो लोन आपको मिल जाएगा पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर, बट आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। बातों का ध्यान ये रखना है कि हमेशा सोच समझकर ही लोन लीजिएगा। पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। दूसरा, जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है उतनी ही अमाउंट का लोन लीजिएगा। तीसरा, सबसे पहले कोशिश कीजिए बैंक से लोन लेने का। अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तभी आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के माध्यम से लोन के लिए जाइएगा। चौथी बात, चाइनीज जो लोन ऐप है उनसे भूलकर भी लोन मत लीजिएगा। जो RBI रजिस्टर्ड जो NBFC हैं उनसे ही आप लोन लीजिएगा। क्लियर? चलो अब मैं आपको वन बाय वन तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो जिनसे मेरे को लोन मिला ना उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा, बाकी दूसरे ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो लोन ऐप है इस ऐप का नाम है ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप। इस ऐप की रेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 4.5 की रेटिंग है, 1 मिलियन रिव्यू है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इस ऐप के माध्यम से 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। और ये जो ऐप है ना, खुद NBFC है, RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो ऐप है 62 डेज से लेकर 12 महीने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के लिए आप लोन ले सकते हो। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो RBI रजिस्टर्ड NBFC, और लोन आपको दिया जाएगा इनकी तरफ से दिया जाएगा, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं दिया जाएगा। लोन दिया जाएगा ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको लोन दिया जाएगा, जो खुद NBFC है। और लोन आप ले सकते हो, जैसे कि शॉपिंग के लिए मत लेना कभी भी लोन, हाँ ये वाला सही है, मेडिकल लोन, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन जो लोन है ये आप इसके लिए आप लोन ले सकते हो। बाकी तो एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करती है, ट्रेवल लोन भी प्रोवाइड करती है, वेडिंग मैरिज लोन भी प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट लोन भी प्रोवाइड करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर भी लोन प्रोवाइड करते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, तभी आप लोन लीजिए। अदरवाइज शॉपिंग के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। और ये जो ऐप है सेफ एंड सिक्योर लोन ऐप है। तो पहली तो ऐप है ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप, 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का आपको लोन मिल जाएगा, और 62 डेज से लेकर 12 मंथ के लिए आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी लोन ऐप के बारे में। दूसरी जो लोन ऐप है इसका नाम है ट्रू बैलेंस। जी हाँ, ट्रू बैलेंस भी काफ़ी अच्छी लोन ऐप है। यहाँ पर देखिए इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ, 4.4 की रेटिंग है, 1 मिलियन रिव्यू है और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं इस ऐप के। यहाँ पर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर आपको लोन मिल जाता है। कितना? 1,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक का आपको लोन मिल जाएगा। 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए आपको लोन मिल जाएगा, और APR रहेगा 60% से लेकर 154% के बीच में APR रहेगा। तो इस ऐप के माध्यम से भी आप जा सकते हो, और जो आपको लोन दिया जाएगा इनकी जो RBI रजिस्टर्ड जो NBFC है उनकी तरफ से, ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इन क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विस हो गया, तो ये इनकी RBI रजिस्टर्ड NBFC है, इनके माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रू बैलेंस का। देखो ट्रू बैलेंस मेरे मोबाइल में ये रही इंस्टॉल, और इससे पहले मैंने ब्रांच लोन ऐप के बारे में बताया था, तो ब्रांच ये रही मेरे, देखो ब्रांच, इस पर मैं प्रेस करता हूँ तो अभी मेरे को रिसेंटली ब्रांच से 4,000 रुपये का लोन मिला था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ब्रांच ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो ऐप है ना, ये खुद NBFC है, RBI रजिस्टर्ड NBFC है, कोई चाइनीज ऐप नहीं है, फेक ऐप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभी लोन का मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 130 रुपये अभी पेंडिंग है, ये मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने लोन लिया था, नोटिफिकेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। देखो 4,000 रुपये का लोन, योर लोन ऑफ 4,000 हैज बीन सक्सेसफुली डिसबर्स ऑन द बैंक अकाउंट। देख सकते हो 4,000 रुपये का लोन लिया था तो 3588 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ट्रू बैलेंस। देखो ट्रू बैलेंस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है ये रहा ट्रू बैलेंस, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब ट्रू बैलेंस पर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पर, अगर आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको लोन मिल जाता है ट्रू बैलेंस पर, ओनली पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर, ओनली KYC के बेस पर। देखो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लेवल अप लोन मिलता है और यहाँ पर कैश लोन मिलता है। कैश लोन जो रहता है वो 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये का मिलता है, 3 महीने से 12 महीने के लिए। और जो लेवल अप लोन मिलता है वो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बेस में मिलता है, 3 महीने के लिए। इंस्टेंट डिसबर्सल है, यानी कि तुरंत पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
तो ये दूसरी ऐप है ट्रू बैलेंस। और अब बात करते हैं तीसरी ऐप के बारे में। तीसरी जो लोन ऐप है ये भी खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। इस ऐप का नाम है एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप है। यहाँ पर आपको ज़्यादा तो नहीं, आपको 30,000 रुपये तक का आपको लोन मिल जाएगा। ऐप की रेटिंग की बात कर लेते हैं, रेटिंग देख सकते हो 4.4 की रेटिंग है, 2 मिलियन रिव्यू हैं और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं। और ये आरबीआई रजिस्टर्ड जो है लोन ऐप है, 30,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट को भी लोन देती है और सैलरीड पर्सन को भी देती है ये ऐप लोन। अब अगर स्टूडेंट है, आपको लोन लेना है, तो आपका जो कॉलेज का आईडी कार्ड रहता है उसके बेस पर आपको लोन मिल जाएगा। देख सकते हो 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 0% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ब्याज काफ़ी कम लेते हैं। और 61 डेज से लेकर 120 डेज के लिए आप लोन ले सकते हो। और पैसा बैंक अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो। और टाइमली रीपेमेंट करते हो तो आपको जो है रिवार्ड भी इनकी तरफ से दिया जाता है। और यहाँ पर अगर 2,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। 24% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस, यहाँ पर लोन मैनेजमेंट फीस होगी 200 रुपये। जीएसटी एंड प्रोसेसिंग फीस 36 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपने दिया 120 रुपये। 2,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 2356 रुपये आपको वापस पे करना पड़ेगा। और जो लोन दिया जाएगा आरबीआई रजिस्टर्ड, यहाँ पर देखिए आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको लोन दिया जाएगा। स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज का जो आईडी कार्ड रहता है उसके बेस पर आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 9,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखा दे रखा है स्टूडेंट के लिए कॉलेज का आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर आप जॉब करते हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होना चाहिए आपके पास। और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको, या फिर सैलरी स्लिप आप, या फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको देना रहेगा। तो पॉकेट एम पॉकेट ऐप के माध्यम से भी आप लोन ले सकते हो 30,000 रुपये तक का। आरबीआई रजिस्टर्ड ये एनबीएफसी है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है इसके और 4.4 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छी ऐप है। तो ये 3 लोन ऐप है जिसके माध्यम से मैंने लोन लिया है और लोन क्लोज भी हो गया, किसी भी तरीके की कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। 100% सेफ एंड सिक्योर लोन ऐप है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चाइनीज लोन के चक्कर में कभी भी मत पड़ेगा, जो आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी रहती है उन्हीं से आप लोन लीजिएगा तो सही रहेगा। अदरवाइज जितना हो सके बैंक से लोन लीजिए। अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है, इनके माध्यम से लोन के लिए जा सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, लोन जब भी ले सोच समझ के लोन लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।